अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक विलेज रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। मेरे साथ अरमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, सिविक टर्बो RS का यूज़र रिव्यू है, एक्सपर्ट रिव्यू हम पहले कर चुके हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डेलाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। क्या हाल इमरान, आपके ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्रिया। अच्छा भाई, ये आप वन ऑफ द, मेरा ख्याल है मुझे फ्यू अर्ली यूजर्स मिले हैं जिन्होंने फाइनली गाड़ी खरीदी है, बिकॉज मैं शुरू में सोचता था कि कौन होगा जो इतनी महंगी गाड़ी लेगा। तो हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपने जब गाड़ी ली थी तो स्पेसिफिकली यू वर इन अ मार्केट विद अ सर्टेन बजट, कि आपने कहा यार मैंने टर्बो ही लेनी है, एक होता ना होंडा ही लैसा वाला, कि क्या था? सिंस 99 से जी मैं सिविक लवर ही हूँ, ठीक है, और बेशक ये करोड़ की भी हो जाए तो मैं लूंगा। अच्छा, कोई मसला ना, यार वो कर देंगे। अच्छा, कर देंगे जिस स्पीड से जा रहे हो कर देंगे। 6250 पे मुझे याद है ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, जब मैंने इसका रिव्यू किया था, और अब 70 के करीब तो हो गई, अब 6649 समथिंग की है। अच्छा, और सुना है वेट भी एक साल का? जी एक साल का वेट है, और मैंने तो ऑन पे ली है। अच्छा, ऑन पे दी है जी। कितने की पड़ी आप? मुझे 7250 की। तो मतलब आप तो सही कह रहे हैं, तो करोड़ की भी ले लेंगे 7250। अच्छा, तो 72 लाख रुपए में आपने ये गाड़ी ली, तो और कोई ऑप्शन आपने जेन में कंसीडर नहीं की? क्रॉसओवर की बहुत सी गाड़ियां थी जो इसमें आ जाती थी। मैं ऑलरेडी यूज कर चुका था MGHS, ठीक है, और उससे पहले स्पोर्टेज भी, और उससे पहले ये इसी मतलब 2021 में ऑडी A3 भी, ठीक है। तो मुझे यही गाड़ी चाहिए थी परफॉर्मेंस के लिहाज से। सही जी। अच्छा, अब आपने तकरीबन ये गाड़ी जो है चला ली है 1500-1600 किलोमीटर जी, तो एक तो थी एक्सपेक्टेशन कि बंदा कहता नई सिविक आएगी, लूंगा ही लूंगा और इतने में भी वो लूंगा। पिछली टर्बो आपने चलाई थी? जी मैंने वो तकरीबन 7 रखी हैं। सही है, 16, 17, 18, 19। अच्छा, फिर तो बड़ा बेहतरीन कंपैरिजन हो सकता है। तो आपके ख्याल से एज ए परफॉर्मेंस लुक्स वाइज तो इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं, कमाल है जी। परफॉर्मेंस में ये उससे तेज है, बराबर है, स्लो है? ये इनिशियल में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन फिर ये गैप को ज्यादा नहीं होने देती। मतलब आप समझ लें, एक गाड़ी वो आगे निकलती है तो उसकी पीछे रहेगी, डिग्गी के ऊपर रहेगी। सही है, तो मतलब उससे ज्यादा आप गैप नहीं बड़ा थिंक इसका, क्योंकि बॉडी साइज भी थोड़ा ज्यादा है। हाँ जी, तो इस वजह से थोड़ी उससे थोड़ी सी मैं ज्यादा 0-100 के फिगर में देखे तो थोड़ी सी कम थी उससे जी। अच्छा, और इसकी अभी तक फ्यूल एवरेज क्या मिल रही है आपको? अब वही जो आपने मेंशन की थी, ऑलमोस्ट 10 to 11 सिटी के अंदर। सही है, और लॉन्ग पे तकरीबन कोई 14-15। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हो गाड़ी में, कह रही है ये चीज़ें होनी चाहिए थी? ठीक है, रिगार्डलेस हमने कह दिया कि ये करोड़ की बोझे लेंगे, लेकिन बंदा कहते कि यार ये अगर कर देते तो कमाल था, या ये चीज़ एक पावर सीट्स दे देते। ठीक है, और दैट्स इट, पावर सीट्स हो जाती तो चले उस लीग में आ जानी थी इसने, जिस तरह सुनाटा है। सही है जी, बाकी तो एम्बियंस लाइटिंग वगैरह सारा कुछ है इसके अंदर। एम्बियंस लाइटिंग में मुझे लगता है कंजूसी सी की भी, इधर दी है इधर नहीं दी। हाँ जी, पीछे नहीं दी, पीछे भी देनी चाहिए थी इनको वैसे। और वायरलेस चार्जर की? चलो वायरलेस चार्जर हो गया, पावर सीट्स हो गई, और पीछे वाली एम्बियंस लाइटिंग हो गई। सही, बाकी ये मुझे इसकी कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यार लगा, व्हाइट ब्लैक, और बाहर भी जो कैमरा ब्लैक है, खासतौर पर व्हाइट कलर में गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है जी, ये कैसा लगा आपको इसकी परफॉर्मेंस? मुझे तो ठीक लगा, कनेक्टिविटीज जी बेहतरीन बेहतरीन, तंग नहीं करता, लैग तो नहीं? नहीं, कोई लैग नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस कैसी गाड़ी की, नीचे लगती थी? नहीं, ठीक है वो, अगर पिछली वाली से कंपेयर करें तो उसके लिहाज से, उसके लिहाज से मुझे थोड़ी सी कम लगी है। ठीक है, थोड़ी सी कम है, लेकिन लगती नहीं है। बहुत ज्यादा कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए कोई ऐसा तो उसमें लग सकती है, वैसे अभी तक क्योंकि मैं डिफेंस में ज्यादा चलाता हूँ तो उधर तो नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, होंडा सेंसिंग की जो इसमें गाड़ी में दी है, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और अगर किसी ने नई सिविक लेनी है और वो सेंसिंग और सेंसिंग के बगैर मेरे ख्याल से जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, तो आपको सेंसिंग की जो फंक्शन है आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल लगे आपने इस्तेमाल किए? मैंने जी सियालकोट गया था रिसेंटली, ठीक है, तो मैंने इस्तेमाल किए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अच्छा, MG में कहीं पे गाड़ी कंफ्यूज हो जाती है थोड़ी। सही है, ये उससे थोड़ा रिफाइन है सिस्टम इसका। उसमें आप कह रहे, मुझे लगता था कि उसके MG पायलट में आप लगते हैं ग्लिचेस थे थोड़े। हाँ जी, ग्लिचेस थे बिल्कुल थे, इसमें रिफाइंड है ये। सही है, इसमें लेन असिस्ट एक तो बहुत अच्छा है, ऑटो ब्रेकिंग अच्छी है। हाँ जी, अडेप्टिव क्रूज में जो बड़ा काम का फंक्शन लगा था, खासतौर पर मोटरवे के ऊपर जब लोग अपनी मर्जी से आगे पीछे हो रहे होते हैं तो उसमें आप अडेप्टिव क्रूज लगा के सुकून से गाड़ी चला सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है। ठीक है, एयर बैग तो इसमें, एयर बैग भी कम है? 2 है जी, एयर बैग भी कम है। स्विफ्ट में 6 है। हाँ जी, स्टॉनिक में भी 6 है, अब पूजो में भी 6 है, तो मेरा ख्याल है जिस प्राइस ब्रैकेट में आ गए वहाँ पे एयर बैग में कंजूसी कर गए, अब वहाँ पे कर गए जी, बिल्कुल ऐसी जो चीजें हैं वो हैं। ठीक। अच्छा, इसके पार्ट्स वगैरह की प्राइस तो चेक की है आपने लेने से पहले? नहीं, अभी तक नहीं की मैंने। अच्छा,
क्योंकि पार्ट्स की प्राइसेस का भी मेरा होता है ना, कई लोग लेते हैं कि वो कहते हैं यार प्राइस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऐसा। अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ली है। सही है, तो ना ही जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही है। और इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई क्या उसका आइडिया? इसकी ऑलमोस्ट 150 to 160। 150 to 160, हाँ जी इतनी। सही, बट अगेन आपने कहा कि ठीक है यार मैं होंडा लवर हूँ, बट आपको लगता नहीं कि अगर होंडा की प्राइस कंपटीशन से देखा जाए, जो अगर टोयोटा और इसके मुकाबले हम अगर रखें गाड़ी के लिए, क्रॉसओवर को छोड़ देते हैं जी, सेडान में अगर कंपैरिजन करें इसका, तो साइज वाइज का कंपैरिजन होगा एलंट्रा से और टोयोटा से? जी बिल्कुल, प्राइस वाइज ये तकरीबन पहुंच गई है डी सेगमेंट सोनाटा के। तो आपने सोनाटा का नहीं सोचा कि सोनाटा ले लेता? मैं लेने को जी सोनाटा भी ले सकता था, 2.2 सेम प्राइस, 73 लाख आपने इस पे खर्चे, तो 2.2 तो बड़े नाम से आती, शायद थोड़े से और डाल के वो भी। बात सर वही है सुनील भाई के शौक की बात है। अच्छा, वो होंडा लेनी? होंडा लेनी। यार ये आपके लिए मेरा ख्याल है, आप जैसे लोगों की वैसे होंडा की प्राइस नीचे नहीं जानी। अच्छा अच्छा, दूसरा ये मैं एक चीज मेंशन करना चाह रहा था सुनील भाई कि ओवरऑल जोनसी है ना थाईलैंड में, मलेशिया में, दुबई में, इसकी प्राइस ऑलमोस्ट इतनी है। चाहिए कोई 12 लाख 10 हजार बात की है थाईलैंड में, और रिंगट में जो मलेशियन रिंगट में है ये तकरीबन 144-350 की, ठीक है, और तकरीबन ऑलमोस्ट 1,30,000 दिरहम की है दुबई में। सही है, तो आप जब उसको करते हैं तो ओवरऑल इसका जो ये वेरियंट है ना ये महंगा है। सही है जी, ठीक हो गया। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन का भी बता दिया, पीछे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कैसी है? बेहतरीन है सर, उस पहली वाली से बेहतर है। बेहतर है, पहली वाली से 1-1.5 इंच बेहतर है। और मेरे ख्याल में पिछली सीट की कुशनिंग भी बेहतर है। हाँ जी सही, अगली और... वाली की भी बेहतर है। हाँ। आपको थोड़ा वो बकेट सीट, अगली जो सीट है ये तो बहुत बेहतर है, जो पिछली हाँ वाली गाड़ी है वो तो अगर आप मोटरवे पे चलाते थे विद इन अ डे अगर आप अप डाउन करें तो थक जाते थे। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ऐसी। और डिगी की स्पेस? डिगी की स्पेस बेहतरीन है, 495 लीटर है। अच्छा, आप इसको हाई ऑक्टेन पे चला रहे हैं रेगुलर पे चला रहे हैं? मैं जी फिलहाल अभी इसको हाई ऑक्टेन पे चला रहा हूँ। अच्छा, नहीं नहीं इसलिए जी नहीं 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 वैसे मैंने जब रिव्यू किया था मैंने 3,500-3,000 किलोमीटर विदाउट हाई ऑक्टेन चलाई थी, कोई नॉक नहीं था, लेकिन वो सुपर के साथ इसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आती, तो मैं जरा परफॉर्मेंस चाहता हूँ तो मैं इसमें हाई ऑक्टेन डलवा। बिल्कुल ठीक है, नहीं आइडली जलवा लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको जिन्होंने बेसिकली इसकी वो की है ना प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल वो इस तरह किया हुआ ट्यून इसको किया हुआ कि नॉर्मल फ्यूल पे भी सही चलती है, प्लस फ्यूल क्वालिटी भी अब तो पहले से बेहतर होगी। 16-17 में जब टर्बो आई थी तुम्हारे गंदा फ्यूल था, ब्यूरो 5 आ गया जी। बिल्कुल ऐसी सर। अच्छा, इसके अंदर ही जो इसके हेड यूनिट है इसमें एंड्रॉयड की कनेक्टिविटी आपने करके देखी? हाँ जी बेहतरीन है, वायर से होती है लेकिन वायरलेस नहीं है, लेकिन वायरलेस सही है। हाँ जी सही चलती है, यानी आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है सही। और गियर की जो शिफ्ट है वो ठीक है? गियर की शिफ्ट ऑलमोस्ट पहली तरह ही है, पहली की तरह ही है। पैडल शिफ्टर जी, पैडल शिफ्टर बेहतरीन है, आपने कभी मतलब रोकनी है गाड़ी एकदम आपको तो आप वही वाली बात कि आप माइनस करें इसके पैडल डाउन करें, बड़ा एफिशिएंटली रुकती है गाड़ी। सही, सो मेरे ख्याल से आप एक सेटिस्फाइड कस्टमर हैं, आपको दोबारा भी चॉइस मिलता है जी, मैं यही लूंगा सर। सही, सो यूजर ये था आज का रिव्यू, अगर आप भी यूज होंडा सिविक खरीदना चाह रहे हैं, नई होंडा सिविक खरीदना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के कार सेक्शन पे जाएं, वहाँ पे काफी ज्यादा गाड़ियां लिस्टेड हैं, अपनी मर्जी गाड़ी सेलेक्ट करें। याद रहे गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कर लें, जो कि आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कंप्लीट चेकअप प्रोवाइड करती है, जिसमें इंजन, पेंट, सस्पेंशन, हर चीज़ आपको डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिल जाती है और आप घर बैठे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए iOS और एंड्रॉइड के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 0422111943357 के ऊपर कॉल करके भी आप इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले रिव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।